हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग बायोमेडिकल जेनेटिक्स को पढ़ रहे थे, बायोमेडिकल जेनेटिक्स को हमने समझा था कि जब हम जेनेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर या मेथड्स को अप्लाई करते हैं तो उसी को बायोमेडिकल जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, बायोमेडिकल जेनेटिक्स में हमने वेरिएबिलिटी को असेस करने के लिए डिफरेंट जो मेथड है उनको डिस्कस कर लिया था। हमने कोरिलेशन के बारे में डिस्कस किया था, हमने डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस को डिस्कस कर लिया था, हमने मेट्रोग्लिफ एनालिसिस को भी डिस्कस किया था। डायलिन की चर्चा हम लोग किए थे, डायलिन में हमने हाफ डायलिन और फुल डायलिन दोनों की बात कर लिए थे। आज हम लोग पार्शियल डायलिन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पार्शियल डायलिन हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, पार्शियल डायलिन हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्शियल डायलिन क्रॉस एनालिसिस क्या होता है इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए पार्शियल डायलिन क्रॉस एनालिसिस को समझने से पहले हम आपको एक बेसिक फंडा बता देते हैं कि देखिए जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं ये सारी जो एनालिसिस हैं ये हम किसी न किसी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि भाई हमने डायलिन क्रॉस एनालिसिस किया। ठीक है, डायलिन क्रॉस एनालिसिस किया, इसके बाद हमने डायलिन में भी आपको बताया कि फुल डायलिन और हाफ डायलिन, फुल डायलिन और हाफ डायलिन। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ पार्शियल डायलिन। ठीक है, पार्शियल डायलिन, इसके बाद मैं आपको लाइन इनटू टेस्टर क्रॉस एनालिसिस बताऊंगा। तो इस तरीके से वेरियस जो है मेटिंग डिजाइन है जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं, क्लास बनाते हैं अलग अलग फैशंस में, उसके बाद हमको कुछ इन्फॉर्मेशन निकल करके मिलती है। जैसे अगर हम फुल डायलिन की बात करें तो फुल डायलिन से हमको जो है क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था हमको जी सी ए और एस सी ए वेरियंस, जी सी ए एंड एस सी ए वेरियंस एंड इफेक्ट। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमको देखने को मिलती है, और हमको एडिटिव एंड डोमिनेंस वेरियंस है ये हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ये एडिटिव वेरिएंस है या फिर डोमिनेंस वेरिएंस है। इसी तरीके से हाफ डायलिन से भी ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पार्शियल डायलिन में हमको एस सी ए इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन इससे भी मिलती है। ठीक है, लाइन इनटू टेस्टर से भी हमको सेम इंफॉर्मेशन मिलती है, जी सी ए इफेक्ट, जी सी ए वेरियंस, एस सी ए इफेक्ट, एस सी ए वेरियंस, एडिटिव वेरियंस एंड डोमिनेंस वेरियंस, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको इस से मिलती है। लेकिन एक बात ये आती है कि हम इवेल्युएट किसको करेंगे, हम जीनोटाइप्स को इवेल्युएट करेंगे, हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है हम उसको इवेल्युएट करेंगे, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम किस में देखेंगे, पर्टिकुलर किसी जीनोटाइप्स में हम देखेंगे या फिर हमारे पास जो जेन प्लाज्म कलेक्शन है हम उसमें देखेंगे। तो चूंकि उसी की वैल्यू है, जो भी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं हम अपने जीनोटाइप्स को इवेल्युएट कर रहे हैं, उसमें क्या इंफॉर्मेशन है उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था फुल डायलिन जो है इसमें जो नंबर ऑफ क्रॉस होते हैं वो कितने होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था n n माइनस वन ये होते हैं। ठीक है, अब सपोज डैट हमारे पास 10 पेरेंट्स हैं, n इक्वल टू क्या है, पेरेंट्स, नंबर ऑफ पेरेंट्स, तो यहाँ पे हमने n माइनस वन कर दिया मतलब 10 माइनस वन, तो ये टोटल हाइब्रिड कितने बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्रॉस कितने हो जाएंगे, 90। ठीक है, इन केस ऑफ फुल डायलिन अगर 10 पेरेंट्स हैं तो यहाँ पे 90 क्रॉस जो है बन रहे हैं। अच्छा, हाफ डायलिन में क्या है, हाफ डायलिन में जस्ट इसका हाफ हो जाएगा बाई टू, तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल डायलिन में क्या है, पार्शियल डायलिन देखिए इस तरीके से डायरेक्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, पार्शियल डायलिन अभी हम लोग पढ़ेंगे। पार्शियल डायलिन में क्या होता है कि हम लोग उस सेलेक्टेड क्रॉस बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टेंट वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं, इसका देखिए के बराबर होता है एन प्लस वन माइनस एस बाई टू, ये फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू निकाल ली जाती है, उस बेसिस पे हम क्रॉस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एस होता है ये सैम्पल्ड क्रॉस होते हैं। ठीक है, सैम्पल क्रॉस कैसे निकालते हैं, ये एन बाई टू होता है। ठीक है, एन बाई टू मतलब जितने पेरेंट्स हैं उसका जो है हम दो से डिवाइड करके ये एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। एस की वैल्यू जो होगी वो एन बाई टू से या तो ज़्यादा होगी या फिर इसके बराबर होगी, इससे कम नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं। तो
कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो क्रॉस आ रहे हैं 45, इससे भी कम क्रॉस जो है आएंगे, ठीक है। इसके बाद एल इंटू टी की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारे पास पेरेंट्स हैं, हम उनको जो है क्या करते हैं, उनमें से कुछ को हम एज ए फीमेल ले लेते हैं और कुछ को एज ए मेल ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है क्रॉस बनाते हैं। तो सपोज डेट यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए 10 पेरेंट्स हैं, तो 10 पेरेंट्स में हमने जो है 7 को ले लिया एज ए फीमेल, मतलब लाइन ले लिया, और 3 को हमने एज ए टेस्टर ले लिया, मतलब यहाँ पे हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल जो क्रॉस बनेंगे वो कितने बनेंगे, 21, ठीक है। तो आप देखिए बेसिक चीज है ये, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप ध्यान पूर्वक समझिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने 10 पेरेंट्स लिया था, हमारे पास क्रॉस कितने हो गए, 19। अब इन क्रॉस को इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास उतनी जमीन होनी चाहिए, उतनी लैंड होनी चाहिए, उतनी फील्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मटेरियल टोटल कितना हो गया, 100 भाई, 10 पेरेंट्स हो गए और 90 जो है हाइब्रिड्स हो गए, ठीक है। तो इतने मटेरियल्स को इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास फील्ड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और इसको हैंडलिंग करना भी थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। अच्छा अभी तो टफ नहीं होगा, मान लीजिए सपोज दैट जैसे जैसे पेरेंट्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये जो है नंबर जो हाइब्रिड्स का है वो बढ़ता जाएगा, ट्रीटमेंट की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पे अगर हम मान लीजिए 2 चेक रख लेते हैं तो 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पेरेंट्स जो है वो हम कम इवेल्युएट कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम पेरेंट्स बढ़ाते हैं हाइब्रिड की संख्या बहुत ज़्यादा होती चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 90 हाइब्रिड्स बन रहे थे, यहाँ पे केवल 21 बन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है इसकी तरफ जो है भागते हैं, क्यों, क्योंकि हमको क्या जरूरत है, मोर एंड मोर जीनोटाइप्स को इवेल्युएशन करने की जरूरत है, तब हम लाइन टू टेस्टर की तरफ आते हैं या पार्शल डेल की तरफ आते हैं, ठीक है। तो इसमें बुराई क्या है, फुल डेलिन में इंफॉर्मेशन तो सेम मिल रही है, जस्ट जीसीएससी इफेक्ट एडिटिव एंड डोमिनेंस मिल रहा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सेम मिल रही है, लेकिन यहाँ पे हम जीनोटाइप्स कम इवेल्युएट कर सकते हैं, यहाँ पे इससे थोड़ा सा ज़्यादा इवेल्युएट कर सकते हैं, यहाँ पे हम इन दोनों से ज़्यादा इवेल्युएट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम इन सभी से ज़्यादा इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इसलिए लाइन इनटू टेस्टर जो है जब हम यूज करते हैं ज़्यादा पेरेंट्स को इवेल्युएट करने के लिए, ज़्यादा जो है जर्मप्लाज्म को इवेल्युएट करने के लिए हम जो है लाइन इनटू टेस्टर का यूज करते हैं, या फिर हम पार्शियल डेली क्रॉस एनालिसिस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक फंडा था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ज़्यादा हाइब्रिड मिल जाते हैं जिससे कि हम पेरेंट्स कम इवेल्युएट कर सकते हैं, यहाँ पे हमको हाइब्रिड्स की संख्या कम मिलती है, और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस को इवेल्युएट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जीसीए एंड एससीए इफेक्ट एंड वेरिएंसेस, एडिटिव एंड डोमिनेंस वेरिएंसेस, ठीक है। तो इन जो है इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लाइन को इवेल्युएट कर सकते हैं इन केस ऑफ लाइन टू टेस्टर क्रॉस एनालिसिस। लेकिन एक बात आप और ध्यान में रखिए, जब आपका मेन टारगेट होता है मैक्सिमम हाइब्रिड बनाना, या फिर मैक्सिमम जो आप जो है हाइब्रिड पे फोकस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आप जो है फुल डायल को ही यूज करेंगे, वहाँ पे आप फुल डायल को ही यूज करेंगे। यहाँ पे जब आपको मान लीजिए बहुत सारे जर्मप्लाज्म लाइंस को इवेल्युएट करना है, आप बहुत ज़्यादा कम्बिनेशन नहीं बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन बनते हैं, तो इस तरीके से देखिए हम लाइन इनटू टेस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा जो है जर्मप्लाज्म को इवेल्युएट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जीसीए एससीए वेरिएंसेस एंड इफेक्ट्स एडिटिव एंड डोमिनेंस वेरिएंस के लिए, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। अभी हम लोग पार्शियल डेलिल क्रॉस एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए पार्शियल डेलिल क्रॉस एनालिसिस जो है ये जो है केमथॉर्ने के द्वारा डेवलप की गई थी, ठीक है। केम्प थॉर्ने, ये जो है केम्प थॉर्ने ने 1957 में डेवलप की थी, ठीक है। इसको जो है केम्प थॉर्ने एंड, ठीक है, कर्नू एंड कर्नू
ने 1961 में इलाबोरेट किया था, इसका विस्तार किया था। ठीक है, जो पार्शियल डेली क्रॉस एनालिसिस है इसको डेवलप किया गया था केप थॉर्ने के द्वारा 1957 में, लेकिन इसको जो इलाबोरेट किया गया था वो केप थॉर्ने एंड कर्नो के द्वारा 1961 में इलाबोरेट किया गया था। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अभी देखिए, पार्शियल डेली क्रॉस एनालिसिस इज नथिंग, पार्शियल डेली एनालिसिस जो है और कुछ नहीं है, बस ये क्या है, इसमें हम डेली क्रॉस जो है, जो डायलिल क्रॉस है, डायलिल क्रॉस एनालिसिस है ना, डायलिल क्रॉस है। ठीक है, डायलिल क्रॉस में क्या होता है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं, तो इसमें हम ऑल पॉसिबल क्रॉस के कुछ सेट को इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, कुछ सेट को हम बनाते हैं, कुछ क्रॉस को हम बनाते हैं और उनकी जो है हम बायोमेडिकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये और कुछ नहीं है, केवल डायलिल क्रॉस एनालिसिस में जो ऑल पॉसिबल क्रॉस कॉम्बिनेशन बनते थे उन्हीं में से कुछ सेलेक्टेड क्रॉस कॉम्बिनेशन का हम इसमें इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, यही क्या है, पार्शियल डेली क्रॉस एनालिसिस है। ठीक है, तो इसमें कुछ सेलेक्टेड क्रॉस कॉम्बिनेशन का हम इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, सभी जो है हम इसमें क्रॉस कॉम्बिनेशन नहीं बनाते हैं। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें क्या है पार्शियल डेली क्रॉस एनालिसिस में, चूंकि हम जो है कुछ सेलेक्टेड क्रॉस ही बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो ईच पेरेंट्स है, तो यहाँ पे जो प्रत्येक पेरेंट्स है, यहाँ पे जो प्रत्येक पेरेंट्स है वो कुछ अदर पेरेंट्स, सम अदर पेरेंट्स के साथ में क्रॉस करता है, नॉट ऑल पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स के साथ में क्रॉस नहीं करता है, कुछ अदर पेरेंट्स के साथ में क्रॉस करता है, सारे पेरेंट्स के साथ में क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है कि पार्शियल डेलिल क्रॉस एनालिसिस जो है इसमें क्या है कि ये फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स पे बेस्ड है। दिस इज बेस्ड ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, दोनों ऑर्डर पे बेस्ड है इसकी एनालिसिस, लेकिन जो है एनालिसिस जो है इसकी टप है, इसकी एनालिसिस जो है ये क्या है, मोर डिफिकल्ट देन डायलिल एंड, ठीक है, देन डायलिल। तो डायलिल के कंपैरिजन में, चाहे वो हाफ डायलिल हो चाहे वो फुल डायलिल हो, डायलिल के कंपैरिजन में इसकी जो एनालिसिस है वो डिफिकल्ट है। इसमें प्रिसीजन जो है, जो प्रिसीजन है रिजल्ट का, जो प्रिसीजन है ये जो है इन कंपैरिजन टू डायलिल क्रॉस कम होता है। ठीक है, अच्छा अनदर पॉइंट क्या है कि इसमें देखिए GCA एंड SCA वेरियंसेज हमको पता चलता है। ठीक है, GCA एंड SCA वेरियंसेज हमको पता चलता है, एडिटिव एंड डोमिनेंस वेरियंस हमको पता चलता है। ठीक है, GCA इफेक्ट हमको पता चलता है, GCA इफेक्ट हमको पता चलता है, लेकिन SCA इफेक्ट हमको पता नहीं चलता है। दिस कांट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट SCA इफेक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है नेट एग्जामिनेशन में, SRF के एग्जामिनेशन में, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सब्जेक्ट से रिलेटेड उनमें जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पार्शियल डेली क्रॉस एनालिसिस में हमको कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं जानने को मिलती है, तो उसका आंसर होता है SCA इफेक्ट। ठीक है, हमको SCA इफेक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है पॉइंट क्या हो सकता है कि इसमें जो है लार्जर जीनोटाइप्स का इवेल्युएशन हो सकता है। ठीक है, ज्यादा जीनोटाइप्स का इवेल्युएशन हो सकता है, इसमें जो है ज्यादा जीनोटाइप्स का इवेल्युएशन हो सकता है। ठीक है, लार्जर जीनोटाइप्स कैन बी इवेल्युएटेड देन डायलिल। ठीक है, डायलिल से ज्यादा जो है हम इसमें जीनोटाइप्स को इवेल्युएट कर सकते हैं, लेकिन प्रिसीजन कम है, लेकिन इसमें क्या है प्रिसीजन कम है इन कंपैरिजन टू डायलिल क्रॉस एनालिसिस। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रॉसेस कितने होते हैं, ये हम नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ जो क्रॉस होते हैं इसमें, टोटल नंबर
ऑफ प्रोसेस क्या होंगे, इसमें प्रोसेस क्या होंगे भाई, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया एन एस बाई टू, ठीक है, एन यहाँ पे पेरेंट्स हैं, नंबर ऑफ पेरेंट्स हैं, एस जो है सिलेक्टेड क्रॉस हैं, इन दोनों को हम दो से डिवाइड कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करके दो से डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ क्रॉस जो है आ जाएंगे, ठीक है। सपोज डैट यहाँ पे 10 पेरेंट्स हैं, ठीक है, और सैम्पल्ड क्रॉस कितने हैं, 5 हैं, ठीक है, 5 हैं, बाई 2 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। जबकि डायलिल और मतलब फुल डायलिल हो चाहे हाफ डायलिल हो, उसमें जो है नंबर ऑफ क्रॉसेस जो है ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा जीनोटाइप्स को इवेलुएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका बेनिफिट यही है कि हम इसमें ज़्यादा जीनोटाइप्स को इवेलुएट कर लेते हैं, लेकिन हमको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं मिलती है, जैसा कि हमने आपको बताया कि एस सी ए इफेक्ट की इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर नहीं मिलती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम जो है सैम्पल्ड क्रॉस को बनाते हैं, ठीक है। देखिए सपोज डैट यहाँ पे हमारे पास 10 पेरेंट्स हैं, ठीक है, 10 पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो हमने कहा कि देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे सैम्पल्ड क्रॉस निकाल लेते हैं कि क्या सैम्पल्ड क्रॉस रहेंगे। यहाँ पे एस की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, एस की वैल्यू हमने आपको बताया एन बाई टू या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे एस बराबर कितना आ जाएगा, 5, ठीक है, 5 आ जाएगा। अच्छा n बराबर यहाँ पे कितना हो गया, 10। तो देखिए जो n और s है ये कभी भी इवन या फिर ऑड नहीं होने चाहिए, मतलब अगर s जो है इवन नंबर में है तो फिर n जो है ऑड नंबर में होना चाहिए, अगर n जो है इवन नंबर में है तो s जो है ऑड नंबर में होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे है 5 जो है ये ऑड नंबर है और 10 जो है ये इवन नंबर है, ठीक है, तो ये यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। दूसरी चीज़ जो s है ये हमेशा होल नंबर होना चाहिए, ये डेसिमल में नहीं होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे 5 है, 4.5, 3.5 इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये हमेशा कंप्लीट नंबर होना चाहिए, ये कंडीशन है जो कि यहाँ पे फुलफिल भी हो रही है, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए हम k की वैल्यू निकालते हैं, इसके बाद हम k की वैल्यू निकालते हैं, k इज ए कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो k के लिए फार्मूला क्या होता है, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया n प्लस 1 माइनस s बाई 2, ठीक है, ये फार्मूला होता है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, देखिए यहाँ पे वैल्यू रख दिया, n का मान कितना है, 10 प्लस 1 हो गया, माइनस s की वैल्यू कितनी है, 5, ये हो गया बाई 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 10 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 11, माइनस 5 बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 बाई 2 इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे हम ये वैल्यू लिख लेते हैं, देखिए n इक्वल टू कितना है, 10, s इक्वल टू कितना है, 5, एंड k इक्वल टू कितना है, 3, ठीक है, तो ये भी हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। आप देखिए अभी हम लोग यहाँ पे हमने जैसा कि बताया आपको हमारे पास जो पेरेंट्स हैं वो कितने हैं, 10 हैं, ठीक है, पेरेंट्स हमारे पास कितने हैं, 10 हैं, तो 10 जो है हम इस तरीके से कॉलम बना लेते हैं भाई, ठीक है, इस तरीके से 1, ये P1 हो गया, ये P2, ये P3 और ये P4, P5, ये P6 और ये P7 और ये P8 और ये P9 और ये P10, ठीक है, इस तरीके से हमने कॉलम बना लिया। अभी इसी तरीके से हम यहाँ पे रो में जो है लिख लेंगे, ये P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, P4, P5, P6, P7, P8, P9 और ये P10, ठीक है, ये हो गया, तो इस तरीके से देखिए हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से देखिए बना लेते हैं, ठीक है, ये हो गया, ये इस तरीके से मैंने बना लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो k की वैल्यू आई है,
के की वैल्यू जो कांस्टेंट की वैल्यू आई है ये बताता है कि हमको थर्ड पेरेंट्स के बाद जो है क्रॉस बनाना है, मतलब तीन पेरेंट्स तक हमको ये छोड़ देना है, फोर्थ एरे या फोर्थ पेरेंट से हमको क्रॉस बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पी वन का क्रॉस हम किससे करेंगे, देखिए पी फोर से ये क्रॉस कर दिया, ये कर दिया। अच्छा, सैंपल्ड क्रॉस कितने आए हैं, फाइव, तो हमको फाइव क्रॉस बनाने हैं, हमको केवल फाइव क्रॉस बनाने, तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ठीक है, अब देखिए ये है पी टू, पी टू का हम क्रॉस कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ठीक है, इसके बाद पी थ्री का वन टू थ्री फोर फाइव, तो इसी तरीके से अभी देखिए इसका पी फोर का कैसे होगा, ये 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 और ये। अब आपको डाउट हो गया होगा कि देखिए ये पी फोर का कैसे जो है यहाँ पे हम चार ही बना रहे हैं, जबकि सैंपल कितने हैं, फाइव, सैंपल क्रॉस कितने हैं, फाइव है। ठीक है, देखिए फोर का यहाँ पे एक बन चुका है क्रॉस, ठीक है, यहाँ पे फोर का एक क्रॉस बन चुका है, तो हमको यहाँ पे केवल फोर ही बनाने हैं। ठीक है, इसी तरीके से पी फाइव का देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन टू एंड थ्री ये हो गया, और फाइव का ऑलरेडी टू क्रॉस जो है बन चुका है। ठीक है, तो फाइव हो गया, प्रत्येक एरे में या प्रत्येक पेरेंट्स के हमको फाइव क्रॉसेस बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी वन का फाइव क्रॉस बन गया, पी टू का जो है फाइव क्रॉस ये बन गया, पी थ्री का इसी तरीके से फाइव बन गया, पी फोर का यहाँ पे फोर और ये वन फाइव हो गए, इसी तरीके से पी फाइव का यहाँ पे थ्री हो गया और यहाँ पे टू हो गया, टोटल कितने हो गए, फाइव। अब देखिए पी सिक्स का, तो यहाँ पे हम इसको दो बना दिए और यहाँ पे ऑलरेडी थ्री बने हुए हैं, तो कितने हो गए, टोटल फाइव हो गए। अब देखिए पी सेवन का, इसी तरीके से यहाँ पे हमने एक बना दिया और यहाँ पे ऑलरेडी चार बने हुए हैं, तो प्रत्येक एरे में जो है फाइव हो गए। ठीक है, नीचे से भी इसी तरीके से थ्री जो है पेरेंट्स छूट गए, जैसे यहाँ पे छूटे हुए थे, ये कॉन्स्टेंट जो है हमारा ही काम कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टोटल जो क्रॉसेस बने हुए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव, तो 25 क्रॉस जो है यहाँ पे बने हुए हैं। अब इन्हीं क्रॉस को हमको इवेल्युएट करना है विथ पेरेंट्स। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, पार्शियल डायलिल क्रॉस एनालिसिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पार्शियल डायलिल क्रॉस एनालिसिस के विभिन्न पहलुओं को समझा जाना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।